नमस्कार किसान साथियों। तो आज हम आए NRC 150 के प्लॉट पे। बहुत ही शानदार वैरायटी है। अभी 55 दिन की हो चुकी है, फ्लोरिंग स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। अभी कर की ओर अग्रसर। कर कुछ कुछ बन चुके हैं, कुछ कुछ बन रहे हैं। इसमें सेकेंड स्प्रे जो है इल्ली का कर दिया गया है। सोयाबीन की हाइट कमर तक आ गई है, उसी के चलते हाइट रोकने की दवा दो बार छिड़काव कर दिया गया है। बीज दर ज़्यादा होने के कारण ये समस्या कहीं कहीं पे होती है। अगर आप बीज दर कम रखेंगे तो जो हाइट रोकने की दवा है उसका आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ये सोयाबीन अगर 18 इंची की सीडिल से, मतलब 18 इंची की दूरी पर अगर बुआई कर दी जाए तो इस सोयाबीन का प्रदर्शन और अच्छा रहेगा और टिकाऊ रहेगा। अभी ये फ़िलहाल 14 इंची के सेट थी और 14 इंची की दूरी है हर लाइन की, उसी के चलते आप देख सकते हैं ये कुछ कुछ झुक चुकी है सोयाबीन। कुछ कुछ किसान सोचते हैं कि अधिक बीज के ओराव से जो उत्पादन है उसमें अधिक उत्पादन होगा, पर ऐसा नहीं है। जो नई सोयाबीन में उनमें ऐसा नहीं होता। जितना कम बीज दर होगा उतना ज़्यादा उत्पादन आपको मिलेगा। ये जो कर आप देख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं मतलब कि जो NRC की जो जितनी भी वैरायटी होती है उन सब में रुए होते हैं, इन्हें रुए वाली वैरायटी भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें रुआ। इसमें ज़्यादातर 2 से 3 फली वाले दाने होते हैं। ये नरी नई वैरायटी है तो इसका अपन कुछ कह नहीं सकते। बाकी जो भी प्रदर्शन, इसका जो भी आखिरी में उत्पादन होगा उसके माध्यम से इसको अगले साल लोग लगाएंगे। अभी तो बहुत कम है, मतलब इतना नहीं है इसका रुझान। अभी जो रुझान है वो 2172-2303 ब्लैक बोल्ड, इनका थोड़ा 11-35 ज़्यादा है। हमारे एरिया में तो बहुत कम है, क्योंकि इसका जो 20 था इसका रेट कुछ हाई था, 15-16 हज़ार रुपये कुंटल में जो भैया लाए हैं और इन्हें लगाया है। अच्छी सोयाबीन वैरायटी है, बिल्कुल व्यवस्थित बीज भी ज़्यादा नहीं डालना पड़ता अपने को, और इसके जो फूल और कर की मात्रा है वो अन्य सोयाबीन से थोड़ी ज़्यादा है। हाइट भी ज़्यादा है, इसलिए हार्वेस्टर से कटने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और इसकी एक और खासियत है कि जो कर है वो नीचे से 5 इंच छोड़कर ऊपर, आप देख सकते हैं इतनी जगह छोड़कर ऊपर से आ रहे हैं। मतलब अगर हार्वेस्टर गड़ते हुए भी अगर सोयाबीन कटेगी तो इसमें कोई चांस नहीं है कि कोई नुकसान होगा किसान का। जो कर है वो 5 इंच 6 इंच जगह छोड़कर ऊपर से होते हैं यहाँ से, ताकि अगर सोयाबीन हम यहाँ से भी कटेगी तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। किसान ऐसी सोयाबीन को आगे ढूंढता है, क्योंकि अब जो मज़दूर का जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, मज़दूर बिल्कुल भी नहीं मिलते, इसीलिए सारी सोयाबीन की जो कटाई है वो हार्वेस्टर से होने लगी है। और 10-15 दिन बाद अपन इसकी एक और वीडियो बनाएंगे, जब कर कंप्लीट हो जाएंगे, दाने आने चालू हो जाएंगे, दाने भराएंगे, जब फिर अपन देखते हैं इसकी क्या स्थिति रहती है। जय हिंद दोस्तों।